चीन में अलीबाबा समूह के फाउंडर जैक मा बुधवार को अचानक प्रकट हुए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कुछ टीचर से बात की। गौरतलब है कि अक्टूबर के बाद से ही जैक मा सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आए थे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुख्य रिपोर्टर किंग किंग चेन ने एक ट्वीट करके कहा, जैक मा गायब नहीं हुए हैं, ये देखिए। मा ने बुधवार सुबह 100 गांवों के टीचर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया कि कोरोना के बाद हम एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर्स ने कहा कि जैक मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 100 ग्रामीण टीचर से बातचीत की। कभी अंग्रेजी के टीचर रहे जैक मा ने बुधवार को एक वीडियो के माध्यम से गाँव के टीचर्स को भी शुभकामनाएं दी। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसे लेकर एक वीडियो भी साझा किया है। इसमें जैक मा को सभी को संबोधित करते हुए देखा जा सकता है। पहले यहां तक आशंका जाहिर की गई थी कि चीन सरकार की आलोचना करने वाले अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा की गिरफ्तारी या नजरबंदी हो गई है। वह करीब 2 महीने से सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आए हैं। चीनी मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि जैक मा सरकारी एजेंसियों की निगरानी में है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।